अगर आपके भी रील्स वीडियोस पर 50, 60, 100 आके रुक गया है, व्यूज आके रुक गया है, तो आप उस वीडियो को व्यूज को आप ही ज्यादा बूस्ट दे सकते हो अपने तरफ से। जब अपने तरफ से थोड़ा सा रीच दोगे उस वीडियोस में, थोड़ा सा काम करोगे, वो कौन कौन सा काम है, वो काम है हैशटैग। मैं यहाँ पे 5 हैशटैग आपके साथ शेयर करूंगा और उस हैशटैग को मैं उठाने के लिए बोलूंगा। ऐसा नहीं कि मैं खुद से बताऊंगा कि मैं जो हैशटैग बता दूंगा आपका वीडियो वो चलने लग जाएगा, नहीं, रुके वीडियोज हैं, फ्यूज हैं, फ्रीज पड़े हुए हैं वीडियोज, आपका स्टक हो गए हैं, वो सारे वीडियो रैंक करना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी दोस्तों हो सकता है वो वीडियो वायरल भी हो सकता है और व्यूज तो उसके हजारों में चले जाएंगे, हजारों मतलब 10,000+ व्यूज उस पर आ ही जाएंगे जितने वीडियो पे आपका व्यूज रुका है। और आपको लग रहा है कि 99% मैंने मेहनत की है, क्वालिटी सही है, वीडियो सही है, सारा चीज सही है, फिर भी वीडियो नहीं चला, तो आपको ये सारा काम कर लेना चाहिए जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं 5 हैशटैग बताऊंगा। सबसे पहले आप अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लीजिए और अपने कैटेगरी से रिलेटेड क्रिएटर को सर्च कीजिए अपने अकाउंट पे, और सर्च करने के बाद किन्हीं 5 क्रिएटर के अकाउंट पे जाइए और रिसेंटली उसके वीडियोज पे देखिए, जिस एक वीक के अंदर में जो वीडियो आपका उसका वायरल हुआ है, जो वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज है, सबसे ज्यादा अच्छा व्यूज, उसके आपको 2 हैशटैग को उठाना है, ठीक ना। 2 हैशटैग एक क्रिएटर के अकाउंट से उठाना, यानी कि 5 क्रिएटर के अकाउंट से 2-2 हैशटैग उठाना, यानी 10 हैशटैग उठा टोटल, और 10 हैशटैग में से आपको 5 हैशटैग अपने रील्स वीडियोज में लगा देनी है। 10 हैशटैग में से 5 हैशटैग को आपको मेन को लगा देना है। और उस हैशटैग के माध्यम से होगा क्या दोस्तों, उसके जितने भी व्यूवर्स के पास वो वीडियो रील्स पहुंचाया हुआ था, जितने भी व्यूवर्स पास, जितने ऑडियंस के पास, उतने ऑडियंस तक आपकी वीडियो को फिर से भेजना स्टार्ट कर देगा। अगर आपके वीडियो में थोड़ा भी दम रहेगा तो वो वीडियो रैंक कर जाएगा, वायरल हो जाएगा। ये था पहला तरीका। एंड सेकेंड तरीके की बात करें तो आपको अपने वीडियोज का लिंक फेसबुक के 3-4 पेजेस में शेयर करनी है, जो रील्स से रिलेटेड पेज होता है, तो उन सभी पे शेयर करनी है। और वो आपका कैटेगरी होना चाहिए वहां पे भी, जिस कैटेगरी से वहां वीडियो पोस्ट हो रहा है उसी कैटेगरी से आपका भी लिंक होना चाहिए। तो यहां से आपको थोड़ा अकाउंट में रीच मिल गया। ये 2 काम कर लिए, अब तीसरा काम देखिए क्या करना है आपको। अपने अकाउंट, अपने वीडियोज का जितना भी वीडियो आपका स्टक पड़ा हुआ है, 1 वीक में 4 बार उस रील्स को स्टोरी में लगाना है। एल्गोरिथम समझ जाएगा कि इसके अकाउंट वीडियो पे का बार बार रीच आ रहा है, तो अपने तरफ से वो थोड़ी रीच दे देगा, हाई दे देगा रीच, तो वीडियो आगे चलने स्टार्ट हो जाएगा और वायरल हो भी सकता है वीडियो अगर दम रहा तो। अब दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक से बात करें यहां पर, तो अपने वीडियोज का जो लिंक है आपको किन्हीं 5 दोस्तों को शेयर करना है व्हाट्सएप पे, और उसे कहना है भाई तुम अगले 5 दोस्तों को शेयर कर दो, बस ये काम कर देना, 100% श्योर हम हैं आपका वीडियो वो चल जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो आपका वायरल भी हो सकता है और व्यूज स्टॉक है तो वो व्यूज ऑटोमेटिक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब तरीका को आजमाइए, 100% श्योर है आपके स्टॉक व्यूज प्रॉब्लम भी खत्म, अकाउंट में जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म, अकाउंट का रीच जो लो है वो भी हाई हो जाएगा और सारा प्रॉब्लम यहीं से खत्म होता है। तो आपको ये सारा काम कर लेना चाहिए। हैशटैग का मेन रोल होता है, सारा काम करो या ना करो लेकिन हैशटैग वाला काम आप जरूर करना। मैंने जो बताया वो काफी सर्चेबल, काफी अच्छा कीवर्ड है, काफी अच्छा कीवर्ड जो मैंने बताया वो आपको अपने वीडियो में डालनी है। नेक्स्ट वीडियो में अपना पेपर बढ़ाए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।